रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये के नए नोट की छपाई शुरू कर दी है। इस नोट के बाजार में आ जाने के बाद आपकी जेब में कोई भी पुराना नोट नहीं बचेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक पहले ही 50, 200, 500 और 2000 के नए नोट बाजार में जारी कर चुका है। 100 रुपये के इस नए नोट का रंग बैंगनी होगा। इसकी छपाई देवास बैंक नोट प्रेस में शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक ये नोट बाजार में आ जाएगा। इस नोट की खासियत यह है कि होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल के स्वदेशी पेपर और सियाई पर छप रहा है। नोट पर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल गुजरात की बाव या बावड़ी की झलक दिखेगी। नए नोट के बारे में बीएनपी प्रबंधन कुछ भी बोल नहीं रहा है। इसी प्रेस में 500 और 2000 रुपए के नए नोट भी छापे गए थे। देश में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने 2000 और 500 रुपए का नया नोट बाजार में जारी किया था। रिजर्व बैंक अब तक 10, 20, 50, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर चुका है। सिर्फ 100 रुपए का नोट ही पुराना था। बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल अगस्त में 200 रुपए का नया नोट जारी किया था। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक कानून 1934 के तहत 10,000 रुपए तक के नोट जारी करने का प्रावधान है, लेकिन कब और कितने कीमत के नोट जारी होंगे इस बारे में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच राय मशविरे के बाद ही फैसला किया जाएगा।